टू वाई पी मॉम मोमेंट फूड वालेकुम क्या हाल है आई होप सब ठीक हैं खुश हैं मज़े में हैं अल्लाह का शुक्र है मैं भी बढ़िया आज का वीडियो मैं जहर की नमाज के बाद शुरू कर रही हूँ देखिए ये दुआ मैंने पढ़ ली है चलते फिरते भी पढ़ती हूँ और आपके साथ ये शेयर भी कर रही हूँ और इससे पहले वाले वीडियो में अरबी में भी शेयर किया है और हिंदी में भी इस बार है ना मेरा कैलेंडर गड़बड़ से हिंदी वाला आया है इस वजह से मैं आपको वही स्क्रीन बता रही हूँ एक्चुअली हर साल उर्दू वाला आता है तो आसानी होती है चलिए आप सबको तो सभी भाषा आती भी होंगी नहीं भी आती होंगी तो मैंने पिछले वीडियोस में तो ज़ोर से पढ़ा ही है अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें उसके साथ भी पढ़ सकते हैं नहीं तो जस्ट यूट्यूब पर ये जो मैंने बताया है ना नहीं तो बकरीदी के दस दिन में कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए बोल कर भी सर्च करेंगे ना तब भी बहुत सारे वीडियोज़ आ जाते हैं तो चलते फिरते ये महीना है ना बहुत ज़िक्र का और दुआओं का है चलिए मेरा भी वो सारा रूटीन होने के बाद आपके साथ मिल रही हूँ मैं जो लोग नए हैं उनके लिए मेरा नाम रानी है और मैं हर रोज़ इस चैनल पर वीडियोस अपलोड करती हूँ रेसिपीज़ हैं बहुत सिंपल टेस्टी मेरी रेसिपी अगर आप ट्राई करेंगे ना तो आपकी तारीफ ज़रूर होगी और बाकी मैं मेरी डेली लाइफ शेयर करती हूँ अभी तो क्या बोल रहे हैं बारिश का सीज़न चालू हो रहा है ना तो किचन गार्डन भी घुमाऊँगी आपको चलिए रूटीन शुरू हो गया है नहा आई थी दूसरे कपड़ों में नमाज़ पढ़ी हुआ इसमें नहीं पड़ी हूं पात्री सब आने वाले हैं तो हमेशा मैं अपने आप को बहुत उनकी पसंद के जैसा रखती हूं ताकि अंदर आते ही वो मुझे देख कर खुश हो जाएं और उसी बीच में हम जो भी पहने जैसा भी पहने लेकिन किचन क्वीन का जो काम है ना साफ सफाई वो तो कंटिन्यू चालू रहता है दूध अंदर रखा और यूसुफ को चॉकलेट में जो गाड़ी आई थी वो दिखाई आपको उसके बाद किचन काउंटर साफ कर रही हूँ एक्चुअली साबुन से धोकर वगैरह गई हूं वापस थोड़ी सी शाइनिंग के लिए ये लिक्विड यूज करती हूं मिस्टर मसल और दूसरा पिछले वीडियोज में ऑरेंज वाला बताई थी ना वो बहुत अच्छा था ये अच्छा नहीं है हाथों को चिकट चिकट लग रहा है तो फिर भी आ, क्या बोलते हैं चूल्हे पर शाइनिंग आ जाती है बाकी तो वापिस मुझे है ना कपड़े से पोंछना ही पड़ता है चलिए उसी बीच में मैंने काउंटर साफ़ कर लिया और ये देखिए मेरी जो ऊपर बड़ी सी लाइट है ना वो साफ़ करने की रह जा रही है हमेशा याद कर रही हूँ और भूले जा रही है लेकिन आज कल मैं ज़रूर जल्दी से कर लूँगी चलिए उसी बीच में बर्तन भी धो लिए और चावल में एक चम्मच नमक डालकर बहुत प्यार से हल्के हाथ से मसल कर धो रही हूँ और मटन के दो हिस्से करके रखे हैं साफ़ धोके पर मटन इतना ख़राब आया था वो हमारी भाषा में क्या बोलते हैं छितड़े जैसा बहुत बुरी हाल में था मुझे गुस्सा भी आया लेकिन अभी पात्री साहब आ रहे हैं ना थोड़ा सा स्पेशल बनाना था चलो जो हमारे नसीब में रिजक होता है ना वो ही हमारे घर को आता है चलो अल्लाह का शुक्र अदा करके मैंने उसको धोकर साफ़ कर लिया और इधर चावल चढ़ा दिए चावल का डबल पानी आधा चम्मच नमक डालकर सीटी लगा दी और इधर मटन पका रही हूँ मटन की ग्रेवी तेल डाला और उसमें डायरेक्ट मैंने अदरक लहसन का पेस्ट ही डाला है प्याज नहीं डाली है एक बार आप ऐसा ट्राई करना माशाला बहुत टेस्टी बनता है उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र में है ना एक मसाला मिलता है खड़े मसालों का पचास साठ रुपये वाला पैकेट होता है पचास ग्राम का उसमें सभी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर करण फूल और काला पत्थर फूल होता है वो पैकेट लाया था मैंने काफ़ी दिनों पहले इन मार्केट में जाऊँगी तो उसका पिक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगी मतलब वो गावरानी ऐसे ही जो होम होते हैं ना वैसे लोगों की पैकिंग है शायद वो मैंने कहीं दूसरे तरफ नहीं देखी है वो तो वो ला कर किया था मैंने उसी बीच में मेरी रेसिपी आगे भाग गई गरम मसाले का सारा बताते बताते हैं वो एक चम्मच गरम मसाला डाला आधा चम्मच जीरा पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर तेल में एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली थी उसके बाद मटन डालकर अच्छे से दस मिनट तक भूना है क्योंकि दिखने को मटन अच्छा नहीं था जस्ट थोड़ा सा खाने में तो अच्छा लगे बस एक बार खा के बाकी का तो डिस्कार्ड ही कर देंगे उसके बाद में एक टमाटर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मटन के गलने तक सीटी लगा दी आधा चम्मच नमक भी डाला है चलिए अभी तक तो मटन की ग्रेवी की रेसिपी हो गई इधर कीमा बना रही हूँ बहुत ही शाही तरीके से कीमा बना रही हूँ मटन को मिक्सी जार में पीस रही हूं, तेल डाला बड़े साइज की एक आधी, एक हरी मिर्च से कूट कर डाली थी उसको सबको अच्छे से फ्राई कर लिया दो लाल मिर्च पाउडर तो खत्म हो गया है, है तो रहने दो बोलकर स्किप कर दी दो चुटकी बना लिया है आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है उसके बाद देखिए कीमा डालकर इस तरह से कट 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 करके मतलब पूरे किचन में पूरे गली में आवाज़ वे जैसा फैलाना चाहिए क्योंकि मिक्सी जार में पीसा हुआ कीमा है ना जल्दी खुलता नहीं है उसी बीच में उसको अच्छे से भून लिया उसके बाद दो आलू देखिए थोड़ा मोटे साइज़ के कट किए हैं क्योंकि इसमें यही अच्छे लगते हैं दिखने को भी अच्छा लगना चाहिए ना अगर चिप्स वाले डालेंगे तो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा तो इसलिए इस तरह से मोटे कट करके उसको भी अच्छे से भून लिया उसके बाद एक बड़े साइज का टमाटर डाल दिया और सब्जी और ग्रेवी कम है तो आधा आधा चम्मच एक एक चम्मच ही डालेंगे अंदाज़ा पहले ही कर लेंगे कितनी ग्रेवी बन रही है उस हिसाब से नमक डालेंगे उसके बाद पाँच एक मिनट तक मिक्स करके अच्छे से पकने दिया उसके बाद क्योंकि आलू भी गलना है कीमा भी गलना है तो आधा कप उतना गर्म पानी डालकर उसको भी अच्छे से मिक्स किया और जो भी नॉनवेज के आइटम आप बनाते हैं ना जस्ट आपका जो भी मेथड हो जो भी मसाला आप यूज़ करते हैं वो डालें पर उसके साथ आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना बिल्कुल ना भूलें मसाल मटन में काली मिर्च डालने से है ना चार चांद लग जाते हैं देखिए आपने अगर पहले ही वीडियो को स्किप कर दिया होगा तो ये टिप आपको कहाँ से मिलेगी मटन पीसने के बाद है ना मिक्सी जार काफ़ी गंदा हो जाता है और कहीं कहीं उसके धागे अटक जाते हैं तो वो साफ़ करने तक तो चैन नहीं पड़ता है तो मैं क्या करती हूँ उसी समय थोड़ा थोड़ा सा साबुन या विम जल डाल कर है ना वापस मिक्सी लगा कर और थोड़ा गर्म पानी डाल कर हल्का गर्म मिक्सी लगा कर धो कर साफ़ कर देती हूँ और बाद में मैं ब्लेड खोल कर भी साफ़ करती हूँ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही साफ़ हो गया ना चलिए उसी बीच में सीने में दर्द है तो कुछ नहीं है बलगम है ऐसा है वैसा है तो घर में ये सारा पहले से पान का मसाला है ठंडाई मतलब अरक डाल कर पान बना रही हूँ ये बन गया मेरा पान वालेकुम क्योंकि पान का बीड़ा खाने के बाद है ना सलाम किया जाता है बोलते मेरी नानी बोलते थे वो पान खाते हैं ना उनके पास से हम बीड़ा लिए तो बोलते थे सलाम कर बोल के तो मैंने भी आज मेरा खुद का बनाया फिर भी सलाम किया हाँ, चलिए उसी बीच में मेरा पान खाना हो गया और ये देखिए कीमा माँ तो पक गया है आलू चेक करते हैं हल्का कसर बाकी है आलू में अगर ढक कर रख देंगे तो हो जाएगा पर मेरे घर में आलू परफेक्ट गले हुए खाते हैं तो इसलिए पाँच मिनट और पकाया और लास्ट का लुक देख रहे हैं आप परफेक्ट आ रहा है ना अगर आप ये डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो कितना लोग खुश हो जाएंगे इसका कलर देखकर और खाने के बाद तो माशाल्लाह तारीफ ज़रूर करेंगे उसी बीच में लंबी लंबी कटी अदरक डाली दो हरी मिर्च डाली थोड़ा सा हरा धनिया डाला ताकि आँखों को अच्छा दिखे और उसको कंप्लीट कर दिया और इधर आ गई मेरी फेवरेट वाली जवारी की रोटी बनाने अभी तो मैं है ना पूरा डाइटिंग वगैरह सब छोड़ दूंगी क्योंकि रात को नींद हो तभी पूरी चीज़ें काम करती हैं और मेरा खाना भी इतना नहीं कि मैं इतनी मोटी हो जाऊं और खाना तो मेरा परफेक्ट है तो इसलिए मैं है ना अपने आप को सुकून से रख दूंगी और मैं बाज़ार वाली कोई चीज़ें भी नहीं खाऊंगी मैं पिछले वीडियोस में आपको एक चीनी बताई थी मालूम है शुगर फ्री वाली चीनी वो चीनी खाने से भी मुझे स्वेलिंग आई है तो अभी मैंने सोचा है जो सब्जी बनती है सब्जी बनाने का जव जवारी की रोटी बनाने का खाने का रेस्ट करने का दो टाइम चाय पीने का बाकी ना वेट लॉस ना वेट गेन कुछ नहीं ज़िंदगी को सीधी रेल की पटरी पर डाल देने का जब अल्लाह चाहेगा तो खुद नींद लगेगी तो इतने ही खाने पर इन श्ला मैं ज़रूर दुबली हो जाऊंगी चलिए अल्लाह ख़ैर करे अल्लाह मेरी दुआ जल्दी कबूल करे और जो भी मेरी बहनें यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और उनको भी दुबला होना है तो अल्लाह मेरे साथ उनकी भी दुआ कबूल करे देखिए मेरी जवारी की रोटी है ना ऐसा होता है बहुत लोगों की तो नीचे की बनती भी नहीं है मेरी बन के है ना मुझे अच्छा सा दो तीन मिनट वेट करना पड़ता है दो तवे भी रख देना तब भी हो जाता है मेरी तो देवरानी बोलती है भाभी अब तीन तवे नहीं रख सकते हाँ तुम इतना फास्ट बनाए तो हम क्या करेंगे <laughs> चलिए उसी बीच में अल्लाह के करम से माशाला मेरा पकवान बहुत अच्छा है और बहुत प्रैक्टिस है फुली फुली रोटी नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बन गई है देखिए लुक तो आप कितना परफेक्ट आया है इधर मटन भी पक गया है उतना खराब मटन था लेकिन सालन का लुक तो देखिए कितना परफेक्ट हो गया उसे भी हरा धनिया डालकर कंप्लीट कर दिया चलिए प्लेटिंग करते हैं कीमा देख रहे हैं आप आलू मिर्च कीमा कितना परफेक्ट लग रहा है ना मिक्सी जार में पीसे जैसा भी नहीं लग रहा है ना और ये सालन तो देखिए माशाला अगर इसमें सही से पीस होते छोटी सी नली अच्छा सा बोन अच्छा सा नरम सा पीस तो इसका लुक कितना अच्छा आता चलिए खैर कोई बात नहीं और मैंने आज सफ़ेद चावल ही बनाए हैं आप चाहें तो लहसन के बघार के चावल या फिर जो हल्के में बघार के कई चावल आपके साथ शेयर किए हुए हैं ना वो चावल भी बना सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे और इतना सब कार्ब खाएँगे तो थोड़ा सलाद भी खाना ज़रूरी है मैंने तो प्याज़ ही रखा है आप ककड़ी गाजर वगैरह भी रख सकते हैं ये बन गई आज की प्लेट एक्चुअली ये डिनर है लेकिन पाँच बजे तक ये मेरा पूरा खाना बन गया था क्योंकि वीडियोस बनाने थे और पात्री साहब आने वाले थे जब भी आए अगर खाना मांगे तो मेरा खाना तैयार रहे इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी ही बना लिया है अगर वीडियो यहाँ तक देखे हैं तो थैंक यू सो मच क्या पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और अगर यहाँ तक देखे हैं तो मुझे लगता है आपको अच्छा ही लगा है तो फिर एक लाइक भी ज़रूर कर दें और आपको लगे कि बकरी दीद रही है ये रेसिपी दूसरों में भी शेयर करना चाहिए है तो एक शेयर भी जरूर करें और मटन के सालन में मैंने जो गरम मसाला डाला है ना आप अपने घर का होममेड कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं या तो फिर मेरा वो तीन मसाले वाला मसाला भी डाल सकते हैं चलिए उसको भी कंप्लीट कर लिया उतना वीडियो होने तक मेरा गैस का चूल्हा हल्का ठंडा हो चुका है तो उसको भी इस तरह से साफ कर लूँगी एक्चुअली पानी से नहीं धोऊंगी बाद में मतलब रात को सोने से पहले अगर मैं फ्री हो जाऊँगी तब धोऊँगी नहीं तो ये गरम गरम में है ना कांच चटकने का डर होता है काउंटर भी साफ़ कर दूंगी अगर घ कोई भी बाहर से घर में आए ना मेहमान वगैरह चूल्हे का कट्टा घर सोफ़ा एक्चुअली हॉल वगैरह सब क्लीन रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है ये वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ लव यू ऑल टेक केयर बाय